जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक अधिक से अधिक करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है जिससे हम आपके लिए नई नई कहानियां पेश कर सकें। कहानी को पूरा सुन के लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है चतुर लड़की और प्रेमी की चतुर माँ। आइए कथा श्रवण करें। एक बार की बात है कि एक विधवा अपने एक सुंदर बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम था सुबोध। उसकी माँ यह नहीं चाहती थी कि वह कभी शादी करे, क्योंकि उसको डर था कि शादी के बाद वह अपनी पत्नी के पीछे पीछे चला जाएगा और फिर उसका वह अकेला छोड़ जाएगा। सो जब वह बड़ा हो गया तो उसने उससे एक वायदा ले लिया कि वह कभी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जिसने उसकी माँ के हाथ का पकाया खाना खाया हो। उसकी माँ खाना बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनाती थी और सारे लोग उसके हाथ का बना खाना खाना पसंद करते थे। बहुत जल्दी ही इस नौजवान की तारीफें सारे देश में फैल गईं और बहुत सारी नौजवान लड़कियां इससे शादी करने के लिए, मिलने के लिए और उसकी सुंदरता देखने के लिए उसके पास आने लगी। जब वह सुबोध को देखने आती तो उसकी माँ उन लड़कियों को प्रेम से अंदर बुलाती और बिठाती और उनसे कहती, लड़कियों तुम लोग भूखी होगी, मैं तुम लोगों के खाने के लिए थोड़ा दलिया बना देती हूँ। वह जवाब देती, धन्यवाद माँ। और जब वह उनके लिए दलिया बनाकर लाती तो वे उसको गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर खा लेती। फिर सुबोध की माँ अपने बेटे की झोपड़ी की तरफ जाती और उसको बाहर खड़े होकर यह कहती, सुबोध मेरे बेटे, कुछ लड़कियां तुमसे मिलने आई हैं। माँ तुमने क्या पकाया है? दलिया मेरे बेटे। क्या उन्होंने कुछ खाया? हाँ हाँ मेरे बेटे, तो उनको वापस भेज दो। और सुबोध की माँ उन सबको वापस भेज देती। इस तरह लड़कियों के कई झुंड इस सुंदर नौजवान सुबोध से मिलने के लिए गांव आए और सब वापस भेज दिए गए। हर बार सुबोध की माँ उनको कुछ ना कुछ खाने को देती और वे उसको खा लेती। हर बार सुबोध की माँ अपने बेटे को यही कहती, उन लड़कियों ने कुछ ना कुछ खाया है, उन लड़कियों को वापस भेज दो। एक बार एक चतुर लड़की थी। उसने यह देखा कि कोई भी जो वहां उसकी माँ के हाथ का बना खाना खाता वह वहां से बिना सुबोध से मिले ही वापस भेज दिया जाता। सो उसने इसके लिए एक तरकीब सोची कि वह अपने घर से अपना खाना ले जाएगी और उसे गांव के पास एक झाड़ी में छिपा देगी, फिर बाद में वह छिपकर खा लेगी। उसने ऐसा ही किया। जब वह गांव के पास आई तो उसने अपना लाया खाना एक झाड़ी में छिपा दिया और फिर वह सुबोध के पास आई। हर बार की तरह सुबोध की माँ ने उसको प्रेम से अंदर बुलाया और कहा, ऐ लड़की तू भूखी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए थोड़ा कुछ बनाकर लाती हूँ। वह लड़की बोली, धन्यवाद माँ जी, मुझे भूख नहीं लगी है। माँ बोली, तो तुम थक चुकी होगी, तुम सो जाओ, कहकर उसने उसको पास वाली झोपड़ी दिखाई जहां वह रात बिता सकती थी। सुबोध की माँ को पूरा विश्वास था कि जब वह सुबह उठेगी तो वह जरूर भूखी होगी। पर रात में वह लड़की उठी, अपनी झोपड़ी के बाहर निकली और उस झाड़ी के पास गई जहां उसने अपना खाना छिपाकर रखा था। वहां उसने अपना खाना खाया और अपनी झोपड़ी में वापस आकर सो गई। सुबह सवेरे ही सुबोध की माँ उसकी झोपड़ी के पास आ गई और बोली, बेटी अब तुमको भूख लगाई होगी, आओ अब कुछ खा लो। यह लो मैं तुम्हारे लिए हलवा बनाकर लाई हूँ, इसे खा लो। लड़की ने कहा, धन्यवाद माँ जी, पर मुझे भूख नहीं लगी है। माँ ने सोचा, अब मैं क्या करूं, यह लड़की तो मेरे हाथ का बना खाना ही नहीं खाना चाहती। उसने उस लड़की को किसी तरह गांव के बाहर एक पेड़ की छाया में अगले दिन सारे दिन बैठने के लिए मजबूर कर दिया।
और अगले दिन वह फिर उसी झोपड़ी में सोई। उस रात को भी वह उसी झाड़ी के पास गई और अपना खाना खा लिया, फिर अपनी झोपड़ी में वापस आकर सो गई। अगले दिन सुबह सवेरे ही सुबोध की माँ उस झोपड़ी की तरफ गई और बोली, पुत्री अब तो तुमको भूख लगाई होगी, 2 दिन हो गए हैं तुमने कुछ खाया नहीं, ये लो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया खीर बनाकर लाई हूँ, इसे खा लो। लड़की ने फिर कहा, धन्यवाद माँ जी, पर मुझे भूख नहीं लगी है। सुबोध की माँ ने सोचा, अब मैं क्या करूँ। वह एक बार फिर सुबोध की झोपड़ी के पास गई और वहां जाकर उसने फिर कहा, सुबोध मेरे बेटे, एक लड़की तुमसे मिलने आई है, माँ तुमने क्या पकाया है? मेरे बेटे, खीर पकाई है। क्या उसने कुछ खाया? नहीं नहीं मेरे बेटे, तो उसको यहाँ अंदर भेज दो। यह कहकर वह वहां रो पड़ी। ओ मेरे बेटे, अब मेरे दिन खत्म हो गए, अब यह लड़की तुम्हें मुझसे अलग कर देगी और मैं तुमसे अलग रहकर मर जाऊंगी। सुबोध बोला, माँ ऐसा मत सोचो, जो लड़की आपकी शर्तों को मान सकती है वो आपसे भी बहुत प्यार करेगी, आपका पूरा ध्यान रखेगी। किंतु सुबोध की माँ नहीं मानी। वह बोली, मेरे बेटे अब मेरा तीर्थ यात्रा पर जाने का मन है, इसलिए अब मैं चारों धाम की यात्रा करूंगी, उसके बाद अगर मैं जीवित रही तो परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करूंगी। सुबोध की माँ ने उन दोनों का विवाह किया और उसके बाद वह तीर्थ यात्रा पर चली गई। जय श्री राम। भक्तों भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम। भक्तों